आज इस वीडियो के जरिए स्पेस से जुड़ी कुछ रीसेंट अपडेट्स के बारे में आज हम जानेंगे। आपको यह बात पहुंचाने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जैसा कि दुनिया के किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं सोचा है। स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को फिर से इस्तेमाल करना सीख लिया है, वहीं इसरो रॉकेट के फोर्थ स्टेज को अपने इस्तेमाल में लाएंगे। वे इसे हमारे देश के नए साइंटिस्ट के जनरेशन को प्रोत्साहन देने के लिए यह काम कर रहे हैं। इस फोर्थ स्टेज में अब साइंटिस्ट अपने मिनी सैटेलाइट्स लगा करके एक्सपेरिमेंट के तौर पर वह इनका टेस्ट कर सकते हैं। इसरो ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि हमारे देश के रॉकेट फोर स्टेजेस के होते हैं और यह फोर स्टेज स्पेस में जा कर के एक डेबरी के तौर पर घूमता रहता है, तो क्यों ना इस डेबरी को हम अपने इस्तेमाल में ले आए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फोर्थ स्टेज में हमारे न्यू साइंटिस्ट के मिनी सैटेलाइट्स को लगा दें, जो कि स्पेस में जा कर के एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर काम करेंगे और इनसे हमारे न्यू साइंटिस्ट को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसलिए इसरो ने डिसाइड किया है कि जनवरी में रॉकेट पीएसएलवी C44 में यह पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। इस फोर्थ स्टेज को उस तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि सारे मिनी सैटेलाइट्स इसमें समा पाए और इसे जनवरी में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इस महीने हमारे पृथ्वी के बेहद नजदीक से एक धूमकेतु पार होने वाला है जिसका नाम कॉमेट 46P विर्तेनीन है। इस बार यह पिछले 20 सालों में पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक आएगा। इसे 5.4 साल लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। यह पृथ्वी को केवल 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी से पार करेगा। यह सबसे ज्यादा नजदीक 16 दिसंबर को होगा। इसे भारत में हम शाम 6:30 बजे देख सकते हैं जब यह पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब आएगा। तो दोस्तों, इसे अपने आंखों से देखने के लिए आपको शहर से थोड़ा दूर जाना होगा जहां रोशनी कम हो ताकि आप इसे देख सकें। हालांकि इसे अपने आंखों से देखना थोड़ा कठिन होगा। अगर आपके पास बाइनोकुलर या टेलीस्कोप है तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वॉयजर 2 5 नवंबर को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी लेयर हेलियोस्फीयर को छोड़ करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। इसे 41 साल पहले 20 अगस्त 1977 में छोड़ा गया। इसे बनाने की कुल लागत 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। यह निरंतर 1.6 किलोमीटर प्रत्येक सेकंड के दर से बढ़ रहा है। इससे निकले सिग्नल्स को हम तक पहुंचने में 16 घंटा 5 मिनट लग जाता है। वॉयजर 2 में कुछ ऐसे बेहद सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो कि अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है। साइंटिस्ट ने जब देखा कि वॉयजर 2 ने रेडिएशन में अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी रिकॉर्ड की है, तब उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वॉयजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। यहां से वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को ऑर्थो क्लाउड नाम के एक लेयर को पार करने में 300 साल और लगने वाले हैं। यह ऑर्थो क्लाउड बर्फीले पत्थरों का बड़ा बड़ा पिंड से भरा पड़ा है जो कि सन के बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण के बल से सन की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस ऑर्थो क्लाउड लेयर को पार करने के बाद वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को 40,000 साल और लगने वाले हैं किसी भी नज़दीकी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में। वॉयजर 2 हमारे इस गैलेक्सी में एक मैसेंजर के तौर पर भी आगे बढ़ रहा है। इसमें एक गोल्डन डिस्क इंस्टॉल किया गया है जिसमें कि हमारे अर्थ के इमेजेस, साउंड्स और मैसेजेस को रिकॉर्ड करके डाला गया है।
इसमें हमारे अर्थ के लोकेशन के बारे में भी चर्चा की गई है। अगर किसी दिन वॉयजर 2 किसी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ के हाथों लगता है तो वह इन रिकॉर्ड्स को पढ़ करके या सुन करके हमारे अर्थ के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं और हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वैसे वॉयजर 2 और वॉयजर 1 आने वाले 5 से 10 सालों में और काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको एनर्जी देने वाले जो सेल्स हैं उनकी एनर्जी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और इनका सफ़र यूं ही चलता रहेगा जब तक कि ये किसी अंजाम तक ना पहुंच जाए। एक एक्सोप्लैनेट ने हमारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट को चौंका दिया जब उन्होंने देखा कि यह एक्सोप्लैनेट उनके आंखों के सामने इवेपोरेट हो रहा है उसके पेरेंट स्टार के कारण। यह एक्सोप्लैनेट GJ3470b एक मिनी नेपच्यून के साइज का है, लगभग हमारे पृथ्वी का 4 गुना है। यह कैंसर कॉन्स्टिलेशन में 97 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। जब इसके एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन एटम इसके पेरेंट स्टार के एनर्जेटिक पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता है तो इसका मास इवेपोरेट हो जाता है। यह प्रत्येक सेकेंड 1 करोड़ kg अपना मटेरियल लूज कर रहा है। आप कह सकते हैं इसे कि 35% उसका करंट मास हर सेकेंड लूज हो रहा है, जिससे कि कुछ ही सालों में इसमें सिर्फ इसका रॉकी कोर ही बच जाएगा। बाकी इस रॉकी कोर के अलावा इस एक्सोप्लैनेट में और कुछ भी नहीं बचेगा, कोई एटमॉस्फेयर तक नहीं होगा इस रॉकी प्लैनेट का। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।